सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे न्यूज चैनल F24 न्यूज को और दबाए घंटी का बटन सबसे पहले लेटेस्ट न्यूज वीडियो देखने के लिए। वेलकम टू F24 न्यूज। प्रदेश में हुई कासगंज हिंसा को बीते एक हफ्ते हो चुके हैं और पुलिस प्रशासन ने वहां पूरी तरह से हालात पर काबू पा लिया है। देश की सभी बड़ी बड़ी पार्टी के नेताओं ने इस पूरे प्रकरण पर अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दर्ज करा चुके हैं, लेकिन अभी भी कासगंज में हिंसा की गर्मी महसूस की जा सकती है। अभी हाल ही में समाजवादी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव ने कासगंज हिंसा में अपनी राय जाहिर की है। उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई कर रही है। देश में जग जाहिर है कि प्रदेश के सपा को अल्पसंख्यक आवाम ज़्यादा पसंद करते हैं और चुनावों में भी वो सपा के समर्थन में जमकर वोटिंग करते हैं। यही वजह है कि सपा मुसलमानों की सरपरस्ती करने में कोई कोताही नहीं बरतती है। इसलिए सपा महासचिव राम गोपाल यादव ने यह बयान देकर मुस्लिमों के प्रति अपना नरम रुख बरकरार रखा है और उनके पक्ष में खड़े दिखाई दे रहे हैं। राम गोपाल ने कासगंज मामले पर कहा, मुस्लिमों लोगों के घरों में घुसकर मारपीट की जा रही है, झूठे इल्ज़ाम लगाकर लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनकी प्रॉपर्टी को नष्ट किया जा रहा है और पुलिस इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है। तो सीधा सीधा राम गोपाल ने भाजपा पर आरोप लगाया है कि मुसलमानों के साथ दो तरफा काम कर रही है, मुसलमानों के साथ नरमती से नहीं बरतती है, मुसलमानों के साथ भाजपा गलत कर रही है।